फिर अनुरोध है कृपया बैठने का कष्ट करें, हमारे बीच में हमारे साथी राजा राम सांदरवा, हमारे बीच में प्रीतम बौद्ध भी सोनीपत से आए हैं, करतार बौद्ध भी आए हैं, अलीगढ़ से भी पार्टी आप बैठे हैं। हेलो साथियों, सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए विश्व विभूति नमन करते हुए विज्ञान के अग्रदूत संविधान, क्योंकि दिल्ली वाले गाड़ियों में आते हैं थोड़ी देर सेल्फी वेल्फी लेकर के खाना खा के चले जाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन सही मायने में हरियाणा यूपी के जो लोग हैं वो बाबा साहब के मूवमेंट को उठा रहे हैं। दिल्ली में भी हमारे अपने ही लोग हैं, कोई हरियाणा से यूपी से बिहार से आके रह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ रह गए बस एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दें आप लोग, आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। हमारे परवल से अलीगढ़ से करतार जी भाई जी आए हुए हैं, सोनीपत से हजीन से विजय वो जी आए हैं, दीपचंद जी आए हुए हैं, पूरा परिवार विद फैमिली वो लोग आए हैं, मास्टर जी आए हैं, वो रास्ता बता के गए थे, वो जो दिशा निर्देश देके गए थे हम उस दिशा निर्देश को मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए और उनका सपना साकार करें। और खाना खाया चले गए, दो बार जैवी उकरी चले गए, पिंडा छूट गया, साल में एक बार ये दिन आता है, उस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया, अपने बच्चों तक की परवाह ना करते हुए, ताकि ये बच्चे सुखी रहें, ये आनंद से अपना जीवन करते हैं। बार बार धन्यवाद साधुवाद करते हैं, जोरदार उस महापुरुष के लिए तालियां। और यहाँ तक लगातार लोग रात 10 बजने वाले हैं, लगातार लोगों का आना जाना जारी है कार्यक्रम में, और अपने महामानव विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करने के लिए ये है वो कार्यक्रम, वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई हज दो इंडिया के तत्वधान में। जात पात के रहते ना सामाजिक संगठन हो सकता है, नहीं उसमें राष्ट्रीय भावना पैदा हो सकती है। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अभी मेरे को साहब ये बता रहे थे हमारे बीच में विद्वान भी बहुत हैं, एक आदमी अगर अब से बोलने लगे तो सुबह 6 बजे तक एक आदमी बोल सकता है, ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ बैठे हैं। लेकिन